सोमवार की सुबह दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन 979 यात्रियों को लेकर हावड़ा स्टेशन पहुंची। स्टेशन पे पहुंचते ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उन्हें आरपीएफ की मदद से सुरक्षित गेट के बाहर निकाला गया। इससे पहले रेलवे की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। खुद हावड़ा के डीआरएम इशाक खान, सीनियर डीएससी रजनीश त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। वहीं स्टेशन पहुंचकर यात्रियों में खुशी देखी गई। कोई अपने घर वापस लौटकर खुश था तो कोई अपने जॉब में वापस जाकर। धनबाद नहीं रहते, कलकत्ता। मेरे हस्बैंड है, जॉब करते हैं। कितने दिन बाद आ रहा है? दो महीने बाद आ रहा है। दो महीने बाद, अच्छा लग रहा है। बहुत परेशान थे ना आने के लिए, तो अभी फाइनली आप आए हैं। अभी उधर कोई दिक्कत था? कोई नहीं, सेफ है। मैं कोलकाता में जॉब करती हूँ, घर पे थी। अभी यहाँ जॉब का आ गया है तो मैं अभी यहाँ ज्वाइनिंग करना, इसलिए 54 days। এইভাবে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, এখানে গভর্নমেন্টকে, স্টেট গভর্নমেন্টকে চিঠি লিখেছি, নবান্নকে চিঠি লিখেছি, সব কিছু, কোনো রিপ্লাই কিছু আসেনি। ফোন মোন সেরকম কিছু ধরেনি, শুধু 1070 হেল্প করেছিল, তাই জন্য আমরা অনেক নাম্বার আমরা পেয়েছিলাম ওখান থেকে। কিন্তু যতক্ষণ না এটা শুরু হয়েছে আমরা কিছু ওখানে করতে পারিনি। আমরা কিছু देख लिया, हमारे शहरों में भी देखा होगा पूरा उनका, जैसे की बोर्ड करेंगे कोचेज से तो हमारे आरपीएफ का डिप्लॉयमेंट रहेगा पूरा। हमने मार्किंग कर रखा है पूरा प्लेटफॉर्म पे, बॉक्स वे में 4 क्यू हम बनाएंगे और ये चारों गेट से लोग निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्टेट का मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, वो थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। जिसको किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर डॉक्टर का बुक रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको रेफर कर देगा। प्रॉब्लम नहीं है तो यहीं से फिर वो बाहर निकले। और वहाँ जो मेरी बात हुई है स्टेट गवर्नमेंट से, राजस्थान सेक्रेटरी से, डीएम से।